गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो है हमारा क्या, फंगस। क्या ही डिस्कस करने हैं आज हमने फंगस को डिस्कस करना है और इसी के साथ में ही हम प्रोटोजोआ और पैरासाइट दोनों को डिस्कस करके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टार्टअप हमने स्टार्ट शुरू किया था इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास आज मिस्टर जीवाणु है। आज सर आप येलो येलो डर्टी फेलो क्यों हो रखे हो? अच्छा आज हम फंगस पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। क्योंकि जब किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप देखोगे ओरल फंगल इन्फेक्शन जब किसी को होगा अंदर तो वो कैसा पड़ जाएगा, येलो कलर का पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मिस्टर जीवाणु ने आज येलो कलर अडॉप्ट किया है। चल इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मैं चाहता हूँ आप इस फोटोग्राफ को बहुत ध्यान से देखें। इस फोटोग्राफ में क्या है, इस फोटोग्राफ में सर एक कल्चर प्लेट है यहाँ पर। इस कल्चर प्लेट में फंगल ग्रोथ है, देख रहे हो आप किस डिजाइन में है, सीधी सीधी लाइनों जैसी फंगल ग्रोथ बनी हुई है, ओके। दूसरी बात, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। हालांकि ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ नहीं है, ये बनाया हुआ है, बट जो एक्चुअल फंगस देखने में लगेगा माइक्रोस्कोपिक वो ऐसा लगता है। ये पर्टिकुलर किस फंगस का नाम की फोटोग्राफ है, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा स्पेशली कोविड को दौरान, म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। ये पर्टिकुलर फंगस ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप से देखने में। तो ये इनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ऐसा दिखता है ये। सेकेंड थिंग, जब फंगल इन्फेक्शन किसी को होता है तो फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन जो आप देखोगे कहीं पर भी वो स्किन इन्फेक्शन देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। किसी के पैरों पे जब ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा पकड़ता है तो ज़्यादातर इसी को बोलते हैं एथलीट्स फुट। जो लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं उनको ज़रूर पढ़ाया जाता है एथलीट फुट क्या होता है। इस तरह से होता है, ये क्या होता है ना, यहाँ पर कभी कभी ड्राइनेस होने की वजह से या पानी जमा रह जाने की वजह से, दोनों ही कंडीशन से अगर यहाँ पर इन्फेक्शन पकड़ लेगा तो ये फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसलिए ये फोटोग्राफ है। सेकेंड, स्किन में आप ये देख रहे हो राउंड राउंड है, गोल गोल चीजें आप देख रहे हो, पैचेस पड़े हुए हैं, ये क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन के पैचेस है, ये स्किन का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन बॉडी में कई जगह पर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन देखने में कैसा लगता है सामने। एक फोटोग्राफ और थी म्यूकोरमाइकोसिस की, जिसको ब्लैक फंगस बोला गया था कोविड के टाइम पर, लेकिन वो फोटोग्राफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि मैंने डिसाइड किया उसको हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग गूगल सर्च करें म्यूकोरमाइकोसिस, इमेजेस पे जाएं और उसके बाद उन इमेजेस को देखें, ओरल एरिया देखें, आप माउथ को देखें, ओरल कैविटी को देखें, उसके अंदर आपको येलो पैचेस नजर आएंगे फंगस के, और म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक है वो आप देखोगे। किसी का ब्लैक हिस्सा पड़ा है, किसी का पूरा नेक्रोसिस हो गया है, पूरा का पूरा एरिया ही उसको काट के हटाना पड़ रहा है, इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह होती है कि ये जल्दी से छोड़ता नहीं है, मतलब एक बार हो गया ना तो जल्दी से जाता नहीं है। प्रॉब्लम इसकी सिर्फ यही है, वेरी डिफिकल्ट होता है ये इसको हटाना। क्या होगा, आप एंटी फंगल मेडिसिन चलाओगे, मेडिसिन चलाने के बाद ये कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा ठीक हो गया, आपने मेडिसिन बंद कर दी, ये फिर से वापस ऐसे बनना शुरू हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है, तभी वो फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से छूटता है। लाओ चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंगस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या डिस्कस करेंगे सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहले हम समझेंगे फंगस क्या है, कैसे होता है। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं इसका नाम कहाँ से आया। इसका नाम हिंदी जुबान में नहीं है, ये लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा में फंगस का मतलब होता है क्या, मशरूम। मशरूम तो सबने खाया होगा, हाँ मशरूम मटर खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मशरूम भी एक तरह का फंगस ही होता है। यस एग्जैक्टली, जिनको नहीं पता उनको शॉकिंग लगेगा, लेकिन मशरूम जो होता है ना वो एक फंगस ही होता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है लेकिन मशरूम मटर स्पेशली। ओके सेकेंड थिंग, अभी मैंने बताया कि मशरूम भी एक फंगस होता है, तो इसका मतलब फंगस माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ फंगस होंगे जो आपको आंखों से दिखाई दे जाएंगे,
कुछ फंगस होंगे जिनके लिए आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और जो आंखों से दिख जाएगा उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। इसका मतलब इसका साइज का वेरिएशन समझ रहे हो आप कितना ज्यादा होगा, यानी कि एक बैक्टीरिया के साइज से लेकर एक मशरूम के साइज तक का फंगस हो सकता है। ठीक है, फंगस ज्यादातर यूनि सेलुलर ही होते हैं, एक सिंगल सेल का मलकर बना होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि मशरूम। ओके, फंगस की इंपॉर्टेंस क्या है? फंगस हमेशा खराब नहीं होता, फंगस ज्यादातर चीज फंगस जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। हम फंगस का यूज करते हैं अपने खाने में, फूड में, जैसे कि हमने अभी बताया मशरूम। दूसरी बात, हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं किस खास तरह की ब्रेड्स बनाने में। कैसे बनाते हैं हम उसको, किसी को पता है? नहीं पता, उसको बोलते हैं कल्चर्ड फूड। उसमें हम जानबूझ के एक फंगस को खाने में इन्वॉल्व कर देते हैं और वो खाने का पूरा डिजाइन बदल जाता है और काफी टेस्टी लगता है और काफी हेल्दी भी होता है, इस वजह से हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो फंगस जरूरी नहीं कि पैथोजेनिक ही हो, नॉन पैथोजेनिक भी होगा और काफी यूजफुल भी है, हम उसको यूज करते हैं। थर्ड थिंग, उसके यूज में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि फंगस को यूज करके एंटीबायोटिक बनाई जाती है। आपको पता है? नहीं पता, ओके चलो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, आपने पेनिसिलिन तो सुना ही होगा ना सर, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी पेनिसिलिन बनी थी। ये किससे बना था? पेनिसिलियम नोटैटम से, वो क्या था? फंगस। फंगस से बना हमने एंटीबायोटिक को डेवलप किया। दूसरा एक और नाम आपको बता देते हैं, साइक्लोस्पोरिन। आपने जैसे नाम सुना होगा नियोस्पोरिन वगैरह, आपने ट्यूब का नाम सुना होगा, वैसे ही साइक्लोस्पोरिन एक एंटी क्या बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग है जिसको हम बॉडी में ट्रांसप्लांट के दौरान, मतलब जैसे किसी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो क्या होगा, जब आप नई किडनी बॉडी में डालोगे तो फॉरेन पार्टिकल करके बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। तो उस कंडीशन में हमको बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम सप्रेस करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन होता है ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को कम करता है और ट्रांसप्लांट सर्जरी में हेल्प करता है। और ये किससे डिराइव किया जाता है? ये एक फंगस से बनाया जाता है। ठीक है, एक और चीज हमने आपको डिस्कस किया था, MRSA, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, इस पर यूज करने के लिए, मतलब MRSA को ट्रीटमेंट करने के लिए एक ड्रग यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूजिटिक एसिड। ये भी एक फंगस से ही बनता है। ठीक है, अभी आप समझ रहे हो फंगस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फंगस को हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ फंगल इन्फेक्शंस पे हम आ जाते हैं। पहली बात तो हम ये बता दें कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में हर जगह पर अलग अलग तरह के फंगस पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, वैसे ही बॉडी के अंदर और ज्यादातर स्किन में अलग अलग तरह के फंगस पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, मतलब ये होता ही होता है, इससे हमें बीमारी नहीं होती है। ये जो अवेलेबल होते हैं फंगस हमारी बॉडी में, ये यूजुअली हमें बीमार नहीं करते, अनलेस कि पहली कंडीशन आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। दूसरा, इनकी ग्रोथ जहां पर है उसकी जगह दूसरी साइट पर चली जाए या फिर इनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये आपको बीमार करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, सपोज ये आपकी स्किन है, इसमें एक्स टाइप का फंगस ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन इसके साथ साथ एक वाई टाइप का फंगस और आके बैठ गया तो ये वाई वाला आपको इन्फेक्ट कर देगा, ये एक्स वाला नहीं करेगा, ये वाई वाला इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बट फंगस हमारी बॉडी का एक नॉर्मल पार्ट है। सेकेंड थिंग, फंगस पे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं करते, एंटीबायोटिक्स सिर्फ आपके बैक्टीरिया पे काम करते हैं। तो फंगस पे क्या काम करता है? फंगस पे काम करता है एंटी फंगल ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन, आपने नाम सुना होगा, जब कोविड के टाइम था तो एम्फोटेरिसिन बहुत ज्यादा चला था। किसमें सबसे ज्यादा दिया गया था? म्यूकोर माइकोसिस में दिया गया था। म्यूकोर तरह का जो फंगस होता है, म्यूकोर माइकोसिस जब बहुत ज्यादा फैला था तो एम्फोटेरिसिन बी
नाम से एक ड्रग था जिसको रेकमेंड किया गया था कि आप पेशेंट को ये दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनके नाम के लास्ट में आता है जोल, ZOLE, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, ठीक है, या फिर कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का तो शैम्पू भी आता है, बहुत सारे लोग जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है उनको रेकमेंड किया जाता है, आप कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फ्लूकोनाजोल के यूजुअली टैबलेट्स और ट्यूब दोनों आते हैं, जो आप फंगल इन्फेक्शन जो स्किन में हो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्लूकोनाजोल। तो ज़्यादातर ड्रग्स जिसके लास्ट में जोल लिखा होता है वो भी एंटी फंगल कैटेगरी में आते हैं, और एंटी फंगल ड्रग्स ही यूज़ किए जाएंगे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा कोई भी ड्रग फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे की चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल कोई चीज़ है नहीं। एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन जो फंगस का होता है वो कैंडिडा स्पीशीज का होता है। याद कर लो, कैंडिडा अकेला कोई फंगस नहीं है, कैंडिडा के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कैंडिडा की क्लासिफिकेशंस में आती हैं, उस पर डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लो। कैंडिडा फंग स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा? ये आपको ओरल रूट पे इफेक्ट करेगा सर, ये आपको स्किन पे इफेक्ट कर सकता है सर। एक होता है वेजाइनल कैंडिडाइटिस, ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है। क्या होता है, अगर वेजाइनल ट्रैक्ट में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में फंगस पकड़ लिया, कैंडिडा बैठ जाता है वहाँ पर, तो वेजाइनल कैंडिडाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जल्दी से ठीक नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ठीक होने में। इसीलिए यूज़ किया बोला जाता है फीमेल्स को कि आप पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रखें, और आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साफ टॉयलेट्स को ही यूज़ करें, क्योंकि उनको यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैंडिडा स्पीशीज़ एक तरह का इन्फेक्शन है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसी पे आता है एक कैंडिडा नाम से पाउडर भी आता है, कैंडिडा पाउडर आता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एंटी फंगल पाउडर होता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन कहीं हो रहा है तो ये काफी आपको हेल्प कर सकता है, बट पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें, उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ भी करें, अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट अपना ना चालू करें। ओके, फंगल इन्फेक्शन में एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, जो हमने स्किन पे देखा था ना, इसमें यहाँ पर ये जो राउंड राउंड इन्फेक्शंस थे ये क्या है, ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस है, ये जो यहाँ पे बने हुए ये सब ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस है। मोस्टली इस तरह के इन्फेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें सर्कुलर रैश होता है, इसमें खुजली भी होती है, और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है टीनिया, TINEA। इसके अलावा इसका एक और नाम है डर्मेटोफाइटोसिस, PHYTOSIS, डर्मेटोफाइटोसिस। खैर, ये कुछ हमारे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फंगल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारी ड्यूटी आईसीयू में थी। आईसीयू में हमारे पास एक पेशेंट आया, वो पेशेंट अपने खेत में काम करते करते अपने ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था, और ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसमें कई सारी लोहे की बड़ी बड़ी रिंग्स लगी होती हैं। वो खेतों पे उस डिवाइस से काम कर रहा था। हुआ क्या कि जब वो ट्रैक्टर से नीचे गिरा तो ये पूरी रिंगें उसके ऊपर से गुजर गई, और उसकी बॉडी में कई जगह पर उसको अच्छे खासे कट दे दिया, जैसे कि ये उसका हाथ है, ये उसके पैर हैं, ये उसका फेस है। तो हुआ ये कि वो मशीन ऐसे करके डायगनली इसके ऊपर से निकल गई, तो यहाँ पर उसके पैर पे, उसके हाथ में, कई जगह पर उसको इससे कट लग गया। पेशेंट यंग था, ज़्यादा से ज़्यादा 26 या 28 ईयर्स का रहा होगा, हेल्दी पेशेंट था, अच्छी इम्यूनिटी थी उसकी। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो फ्रैक्चर था उसको रिपेयर किया गया, फिर उसके बाद जो उसके वुंड थे उस पर स्टिचिंग कर दी गई। कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि पेशेंट का फीवर डाउन नहीं हो रहा है, जब फिर उसकी स्टिच लाइन को देखा गया, स्टिच लाइन बिल्कुल क्लियर थी, स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जहां पर स्टिच लगे थे उसके नीचे नीचे काला पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला इसको चेक करते हैं क्या करना है इसको, उन्होंने सैंपल भेजा, उसमें निकला फंगस। अब ये फंगस किस तरह का फंगस था, आप इसको देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बात, आपकी जो स्किन की लेयर होती है ये ऊपर की लेयर हो गई, क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता, डर्मिस और एपिडर्मिस बोलते हैं,
नीचे वाली को डर्मिस, इसको एपिडर्मिस, उसके बाद इसमें बीच में होता है सबक्यूटेनियस फैट, और सबक्यूटेनियस फैट के बाद इसमें नीचे होती है मसल्स, मसल्स के बाद इसमें होता है नीचे बोन्स, ठीक है। तो ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ना सर, वो फंगस स्किन पे नहीं लगा था, वो फंगस इस सबक्यूटेनियस फैट पे लगा था, यहाँ पे उसने पकड़ लिया। तो हुआ क्या कि स्किन तो बिल्कुल नॉर्मल है सर, जैसी स्किन होनी चाहिए, रेडिश स्किन होनी चाहिए, पिंकिश होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही स्किन थी, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर फंगस उसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज में घुसता चला जा रहा था और लगातार ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो फैलता ही चला जा रहा था। अब समझ लो इस चीज को कि मान लो यहां तक फंगस था, इस पर्टिकुलर एरिया तक फंगस था, तो अब फंगस को तो कुछ नहीं कर सकते, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसको यहां से डिब्राइड कर दिया। डिब्राइड करने का मतलब उन्होंने इसको यहां से कट कर दिया, इतना हिस्सा उन्होंने सर्जिकल रिमूवल कर दिया और इतने हिस्से को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने यहां से उसको पैक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर देखा गया, ऊपर की स्किन बिल्कुल बढ़िया थी, परफेक्ट थी, लेकिन सबक्यूटेनियस लेवल पे फिर से फंगस बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया। पूरी बॉडी के सबक्यूटेनियस लेवल को उसने कैप्चर कर लिया, और जितना हम डिब्राइड करते जा रहे थे उतना ही ज्यादा वो और फैलता चला जा रहा था। हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे, या तो हम पेशेंट का एम्प्यूटेशन कर दें, उसके दोनों हाथ और एक पैर को हटा दें, या फिर हम उसे रिफर कर दें दूसरे सेंटर पे। पेशेंट से कंसर्न लेकर उसको हायर सेंटर पे रिफर किया गया, बाद में पता लगा कि वो कवर नहीं हुआ और वो लड़का एक्सपायर हो गया। एंटी फंगल मेडिसिन चलाने के बाद, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करने के बाद भी सबक्यूटेनियस लेवल पर वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा। अभी देखो फंगस जहां पर था वो वहीं पर बढ़ा, वो दूसरी जगह पे नहीं गया, उसने स्किन को कैप्चर नहीं किया, उसने मसल्स को कैप्चर नहीं किया, वो जहां पर था उसी पर वो बढ़ता चला गया, और इस लेवल पर बढ़ा कि वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। और फंगल इन्फेक्शन ने एक चीज तो साबित कर दी, क्या साबित कर दी सर, कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो फंगल इन्फेक्शन आपको छोड़ेगा नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। हमने कोविड के टाइम पर देखा, म्यूकोरमाइकोसिस लगातार पेशेंट्स को इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, सबसे ज्यादा पकड़ा उसने कहाँ पर, आई रीजन में, दूसरा उसने कहाँ पे पकड़ा, माउथ के रीजन में। इन रीजन्स को पूरा आपने देखे नहीं होंगे शायद केसेस, पेशेंट का ये जो फेस है ना, ये आंख है, ये आंख है, यहाँ पर उसने फंगस पकड़ लिया, हमें इतना पूरा हिस्सा काट के निकालना पड़ा। अब सोचो ये हिस्सा पूरा उसका काट के निकाल दिया गया, उसका फेस में बचा क्या, इतना फेस बचा उसका। जो ओरल पेशेंट की बात अगर हम करें, जैसे ये पेशेंट का फेस था, ये उसका माउथ था, इसमें अंदर की तरफ यहाँ फंगस पकड़ लिया। अब जैसे कैंसर का पेशेंट का डिब्राइडमेंट होता है ना, इतना हिस्सा पूरा मुंह काट के ही हटाना पड़ा, उसके बाद ही उसकी जान बची, नहीं तो वो भी बढ़ता चला जाएगा, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फंगस पे हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना था, इसलिए तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं जिसमें कैंडिडाइटिस हमने डिस्कस कर लिया, म्यूकोर माइकोसिस हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि कॉमन स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, डेडली इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं, डेडली या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बहुत ही कम मिलेंगे, ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं और मेडिकेशन से ठीक किए जा सकते हैं। कई तरह के फंगल इन्फेक्शन जो स्किन पे रहते हैं वो तो इस तरह के होते हैं कि पूरी स्किन खराब कर देंगे, बेकार कर देंगे, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है तो आपकी पूरी स्किन इतनी खराब हो जाएगी कि आप देखने में बहुत अजीब से लगोगे और आप खुद भी इरिटेट हो जाओगे उस चीज़ से, लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये फंगल इन्फेक्शन इस तरह के होते हैं, हर इन्फेक्शन का अलग तरीका है, ठीक है। लास्ट थिंग फंगल इन्फेक्शन पे, कि फंगस हमें मिलता कहाँ से है, अगर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फंगस हमारे पास कहाँ से आएगा। सिंपल सी चीज़ है सर, पहली चीज़ आपकी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है फंगस, आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई नहीं कि उसने अपने आप को बढ़ाया नहीं। दूसरी चीज़, एक हम वर्ड यूज करेंगे पूरे इस ट्रेनिंग सेशन में, फोमाइट। जो आर्टिकल्स आप यूज करते हो ना पेशेंट के आसपास के, या जिसमें डस्ट होती है,
उन सब में फंगस अवेलेबल होता है, जो हवा में डस्ट मौजूद है, जो मिट्टी मौजूद है, उन सब में फंगस डेफिनेटली अवेलेबल होगा ही होगा। तो आपने हाइजीन मेंटेन करके रखना है और आपको हैंड वॉश कंटिन्यू करते रहना है। इस तरह से आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो और सर्वेलांस करते रहना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन अगर बढ़ रहा है तो पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में कुछ खास हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसी पर आ जाते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ हर जगह अवेलेबल होता है, बाहर भी और बॉडी के अंदर भी। ये जब बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करता है तो कैसे करेगा? एक मिनट, ब्लू ले लेते हैं, इसमें ब्लू कलर नहीं है। चलो, अगर ये ब्रेन में इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें लिखा हुआ है ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन। मतलब ये ऐसा सिंगल सेल अमीबा होता है, इस तरह का कुछ दिखता है, जैसे मैंने कल फोटो आपको दिखाया हुआ था। ये सिंगल सेल अमीबा होता है, ये ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन को अंदर से खाने लगता है, या आपके नर्व सेल्स को खा जाता है। तो ब्रेन ईटिंग मतलब दिमाग खाने वाली चीज है ये। दिमाग खाने वाले तो खैर और भी होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है आइज, आंखों पे पकड़ सकता है, जिसमें आपको जो ऑक्यूलर लार्वा होता है उस पर प्रॉब्लम करेगा। लिम्फ नोड्स पे पकड़ लेगा तो पूरी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें देख रहे हो, पूरी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इफेक्ट कर जाएगा। लंग्स में अगर पकड़ लिया तो आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया भी पकड़ सकता है आगे चल के। लिवर, इंटेस्टाइन, मसल्स, ब्लड, ज्वाइंट, स्किन, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह पर प्रोटोजोआ अवेलेबल हो सकते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते हैं, ये प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट थिंग हमारी जो बच रही है वो बच रहा है पैरासाइट। तो पैरासाइट मैंने बताया था सर, पैरासाइट क्या होता है? जिस जगह पर रहता है उसी को मार देता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? पैरासाइट हो जाएंगे। दो एग्जाम्पल दिया था, डेंगू और मलेरिया का। अच्छा, आप ये मत सोचें कि पैरासाइट कोई अलग चीज है। वायरस या बैक्टीरिया या फंगस, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? पैरासाइट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस प्रोटोजोआ की बात करें, जो ब्रेन ईटिंग है, वो रहेगा ब्रेन के सेल में और ब्रेन को ही खा जाएगा, तो ये क्या है? ये पैरासाइट हो गया। डेंगू, डेंगू का जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है। डेंगू एक तरह का वायरस है, लेकिन वो क्या करता है? प्लेटलेट पर रहता है और प्लेटलेट को ही खा जाता है, तो वो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। ठीक है, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज्यादा तीन इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमने इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। ये देखो, ये फोटोग्राफ बनी है, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ना, ये अमीबा की है। सबसे पहले बायोलॉजी में जो सेल पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो अमीबा ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो हमने सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग जितने हमारे इंपॉर्टेंट थे इंट्रोडक्शन के हिसाब से, वो यहाँ पर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। और अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बताइए? मिस्टर जीवाणु, मिस्टर जीवाणु ही बताएंगे हम क्या पढ़ेंगे। तो मिस्टर जीवाणु कह रहे हैं कि सर, जब आपने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए हैं, तो अब आप ये यही तो पढ़ोगे ना कि ऑर्गेनिज्म हमको इन्फेक्ट कैसे करेंगे, हमको बीमार कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बीमारी नहीं समझेंगे तो हमारे पढ़ने का क्या फायदा? तो मिस्टर जीवाणु का कहना है कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें हम मिस्टर जीवाणु की स्टोरी पढ़ेंगे कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और कैसे किसी को बीमार करते हैं। और हम चेन ऑफ इन्फेक्शन में ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का सोल क्या है। सोल मतलब जूते का सोल नहीं, सोल मतलब आत्मा। सोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्या है सर? वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि अगर आपने चेन ऑफ इन्फेक्शन नहीं समझा तो आप कभी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगर आपने चेन ऑफ इन्फेक्शन समझ लिया तो उस चेन को कहीं से भी आपने तोड़ दिया तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, इन्फेक्शन फैलने से बच जाएगा। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक के क्लास में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसपे मेरा नंबर है 8765597898। ठीक है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेरे पास आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बस ब्रेन ईटिंग अमीबा मुझसे दूर रहें प्लीज़। ठीक है, ये मजाक था, इसको सीरियसली मत ले लेना, बुरा मत मान जाना। ठीक है, अनलेस कि आप ब्रेन ईटिंग अमीबा हो, आपको बुरा लगेगा भी नहीं। खैर, चलो, जोक्स अपार्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब यहाँ से
हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट की। उसमें हम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, टीम और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर सबके काम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें वन बाय वन बताना शुरू करेंगे और हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।